गवर्नमेंट आईडी यानी कि आधार कार्ड वगैरह। हाँ अभी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सेल्फी लेनी है, सेल्फी लेना है। चलिए तो भाई, भैया ने मुझे पूरे कलम्बा से यहाँ तक वर्धा तक लिफ्ट दी है, वो भी नॉन स्टॉप। लीजिएगा पानी। और एक बात भैया जी, ना पुणे से वर्धा तक आज तीसरा दिन है इनका राइडिंग का, 3 दिन तक यहाँ पर राइडिंग करते करते आ रहे हैं। भाई क्यों आ रहे हो इतने दिन तक? ससुरवाड़ी आ रहे हैं, दीदी का चक्कर है बाबू भैया, ससुमा को मिलने के लिए जा रहे हो। देखिए 3 दिन राइड कर रहे हैं इतना धूप में, इतनी हीट में। चलिए ले लीजिए सर्दी। आप ये YouTube पे भी ऐसा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, मैं वीडियो जब डालूंगा ना तो ये लीजिए, मैं ऐसा लिया हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नहीं नहीं, मैं YouTube पे डालूंगा ना तो आप क्या कीजिए, ये जो मैं अभी पकड़ा हुआ है इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, वीडियो जब देखोगे आप तो चैनल मिस्टर रामजी ब्लॉग। मैं चलता हूँ, धन्यवाद, बाय। तो चलिए हम अपना आगे का रास्ता पकड़ते हैं डॉली भाई की तरफ, और कौन से मिलेगी लिफ्ट पता नहीं। और भैया ने एक पानी का बोतल भी दिलवा दिया है, ना बोला तो भी उनको, लेकिन ठंडा ठंडा है, मस्त लगेगा। चलिए पीते हैं, बाय बाय। चलिए आराम से जाइएगा, बहुत अच्छे है यार, और बहुत फनी भी है, बहुत सारी बातें करते आए हैं हम, इतनी हवा में तेज़ी से आए ना। और अभी समय शायद यहाँ से समय नहीं, यहाँ से सिर्फ 86 किलोमीटर बचा है नागपुर ढिंगच का ढिंग, यानी कि और 1.5 घंटे का रास्ता है, सिर्फ लिफ्ट मिलने की देरी है। लिफ्ट मिली, हम पहुँच गए। भाई कहाँ तक जा रहे हो? हाँ भाई, पवनार। मैं नागपुर जा रहा था। नागपुर जा रहे थे, पवनार तक कर सकते हो? हाँ जी, धन्यवाद रुकने के लिए। मैं चलिए पौना कुछ गांव तक लिफ्ट मिली है भैया से, थैंक यू भैया जी। हम नागपुर जा रहे हैं ऑल इंडिया ट्रैवल। वॉकिंग एंड लिफ्ट, हाँ ऑल इंडिया। मैं कर्नाटक से। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मैं लिफ्ट दे सकती हूँ बट या ये गवर्नमेंट आईडी, यानी कि आधार कार्ड वगैरह। हाँ अभी बैग में है, चैनल वगैरह दिखा सकता है, लेकिन रिस्क नहीं लेने का है बिल्कुल। या हम दोनों भाई बहन हैं। अच्छा जी, आप इसलिए रोका था आपने जी? जरूर, मैं आपको मोबाइल में दिखा देता हूँ। तो भाई एक लड़की ने गाड़ी तो रोकी थी, लेकिन आईडी वगैरह पूछने लगी कि मैं लिफ्ट तो दूंगी लेकिन आपके हमारी तसल्ली के लिए आईडी दिखाइए करके। मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर वर्ड के अंदर एक कुछ गांव का नाम तो नहीं पता चल रहा मुझे, दीदी कुछ है वहाँ तक आया हुआ, और उन्होंने मेरे को देख के रोका, मैंने रोका नहीं था, और वो बताने लगी कि भाई आप हमारे तसल्ली के लिए आईडी दिखा दो कि हम आपको जान पाए कि आप कहाँ से हो करके। उनको मैंने भेज दिया क्या कि वो और बहुत ज़्यादा ना गलत समझे, आईडी तो दिखा दिया और उनको कहा कि मैं आप नागपुर तक लिफ्ट तो मिल ही चुकी थी और फिर भी वो बुटीपुर तक लिफ्ट देना चाहते थे। मैंने सोचा कि इनके अंदर इन दोनों के बीच में हम क्यों कबाब में हड्डियाँ बने, तो चाहिए आप आराम से जाइएगा, मैं आ जाऊँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं करके आगे भेज दिया, लेकिन मुझे अजीब ही फील हो रहा है। तो चलिए और कौन सी लिस्ट मिलती है देखेंगे यहाँ से। यहाँ पर कोई मेला है क्या? कितने सारे लोग हैं। तो भाई फाइनली बुट्टी बोरी पहुँचे हैं, और यहाँ से 27 किलोमीटर नागपुर है ना, 27 बचा है ना भाई नागपुर, सिर्फ 27 बचा, यानी कि 27 किलोमीटर, और एक आधे घंटे में पहुँच ही जाएंगे लिफ्ट मिली तो। और अभी कुछ भैया कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिलाना चाहते हैं,
चलिए वैसे भी बहुत गर्मी है यहाँ पर, ठंडा ठंडा लस्सी आ चुकी है। देखेंगे यहाँ का महाराष्ट्र की लस्सी किस तरीके से होती है। धन्यवाद आपके साथ आके भी और आपने कुछ ठंडा पिला के हमें बहुत खुश किया। चलिए हम चलते हैं, वहाँ पर सीधा जाना है ना, ये रास्ते भी जा सकते हैं ना, नहीं ये रास्ते भी जा सकते हैं ना, मैं लिफ्ट लेके ही जाऊँगा, ऐसे ही जाएंगे। हाँ धन्यवाद, चलिए बहुत लामा ही लगते हैं। हाँ 27 किलोमीटर है। हाँ नहीं नहीं लिफ्ट लेके चलता हूँ मैं, थैंक यू। भैया ने कुछ ठंडा वगैरह पिलाया और गुट्टू बोरी, कुछ ज़्यादा ही डेवलपमेंट सिटी हो जा रही है, और नागपुर और बुट्टी बोरी दोनों अटैच ही है, यानी कि पूरे 27 किलोमीटर तक नागपुर फैला हुआ ऐसा बोल सकते हैं हम भी। चलो भाई आज का नागपुर तक का सफ़र का आखिरी लिफ्ट मिल गया शायद, ये बुलेट रुकी है अवेंजर, पूछना पड़ेगा कहाँ तक जाएंगे। भैया कहाँ तक जा रहे हो आप? मैं नागपुर जा रहा हूँ। जा रहे हो? धन्यवाद। बहुत लॉन्ग हो जाती है ना, तो इसलिए मैंने वीडियो दो बार बना दिया है।